दुनिया में कहीं ना कहीं आतंकी हमले और किसी देश में किसी न किसी वजह से लड़ाई चलती रहती है। इन सब बिगड़ते माहौल के चलते अब ज़्यादातर देश अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे हैं। इस क्षेत्र में पहले महिलाओं की आर्मी में संख्या न के बराबर थी, लेकिन अब महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उनके योगदान को अब नकारा नहीं जा सकता। आज हम दुनिया भर की सबसे खतरनाक फीमेल सोल्जर्स के बारे में बता रहे हैं जो अपने देश की सुरक्षा में लगी हुई हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका में फीमेल सोल्जर्स सन 1775 से ही अपने देश की सेवा कर रही हैं। अमेरिकी सेना में महिलाओं को कॉम्बैट ऑपरेशन में शामिल होने की परमिशन 2015 में मिली थी। इससे उन्हें टैंक चलाने, मोर्टार दागने से लेकर जवानों की टीम का नेतृत्व करने का भी अधिकार मिला। यूएस के पास तकरीबन 14,30,000 जवानों की फौज है, जिसमें 2 लाख फीमेल सोल्जर्स हैं। दूसरे नंबर पर है इसराइल। इसराइल देश की कुल जनसंख्या तकरीबन 86 लाख के करीब है। इस देश में सोल्जर्स की संख्या 31 लाख के करीब है, जिसमें पुरुषों की संख्या 15,54,186 है, वहीं महिला सैनिकों की संख्या 15,14,063 है। इस तरह इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सेना में पुरुषों और महिलाओं की संख्या करीब बराबर ही है। सभी महिलाओं के लिए भी कॉम्बैट ट्रेनिंग अनिवार्य है। तीसरे नंबर पर है चीन। चीन में वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ तेजी से फीमेल सोल्जर्स की भर्ती की गई। चीन में आर्म फोर्स की संख्या 22,85,000 के करीब है, जो दुनिया में आर्मी की संख्या के मामले में वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आता है। करीब 2.5 लाख फीमेल सोल्जर्स हैं, जिनमें 1.5 लाख आर्म फोर्सेस का हिस्सा है। चौथे नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस में फीमेल सोल्जर्स सन 1800 से ही अपने देश की सेवा कर रही हैं। पहले महिलाओं को सैनिकों के लिए खाना पकाने के लिए रखा जाता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑफिशियल रूप से महिला सैनिकों की भर्ती का ऐलान कर दिया गया। तकरीबन 3,28,000 आर्म फोर्सेस में 80,000 फीमेल सोल्जर्स हैं। पांचवें नंबर पर है यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस से बढ़ते तनाव के कारण हर घर से एक सदस्य को मिलिट्री में सेवा देने का कानून लागू कर दिया है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक सेना में करीब 50,000 महिलाएं हैं, जिनमें से 17,000 आर्म फोर्सेस में शामिल हैं। सरकार अब सभी महिलाओं के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग पर विचार करने की सोच रही है।